उज्जैन अजाक थाने में पहुंचा पीड़ित अपनी जमीन हड़पने और जातिगत गाली और मारपीट करने की शिकायत लेकर ग्राम बरखेड़ी जागीर रानीपुरा तहसील घटिया निवासी संजय मालवीय ने बताया कि मेरी बरखेड़ी जागीर स्थित जमीन को दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है एवं फर्जी कागज तैयार कर रजिस्ट्री भी करवा ली है। वर्तमान में जिस जमीन पर मेरा कब्जा है उसे खाली करने के लिए मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे द्वारा घटिया थाने में माया प्रमाण की अनेकों बार शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। जबकि मारपीट के बाद जिला चिकित्सालय में जांच करवाकर सर्टिफिकेट प्राप्त किया है जो कि मारपीट का प्रमाण है, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आज पुलिस कप्तान महोदय के पास आया हूँ, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उज्जैन से जिला ब्यूरो चीफ पंकज श्रीवास्तव के साथ हाकम सिंह काकरेल की रिपोर्ट। मेरी समस्या का निराकरण करेंगे सर, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है और मैं काफ़ी टाइम से परेशान, करीबन 8 महीने से परेशान हूँ। मेरी ज़मीन विवादों से फंसी हुई है। हमारे विजय वर्मा जी उदयड़ा के हैं, जो जगन्नाथ जी के लड़के हैं, उन्होंने क्या 2011-12 में कुछ ज़मीन मेरे अंकल जी और मेरी बुआ जी से खरीदी थी बरखेड़ी जागीर में। कहाँ पे आता है ये? कानीपुरा रोड पे आता है, उज्जैन। उज्जैन किन दमंगों के द्वारा आपकी ज़मीन पर कब्जा हुआ है? सर ये एक संतोष कोठारी है जो कि वीडी मार्केट में रहता है, दूसरा विजय वर्मा है और ये रुदायड़ा में रहता है, और एक अभी हाल ही में सर एक मेरे काफ़ी करीबन 20 साल से मेरा कब्जा था प्लाट पे, गवर्नमेंट जगह है वो निश्चित ही मेरा था, और इसके बावजूद मैं उससे लड़ाई करी और उसने मेरे से वो कब्जा छुड़वा लिया है। आपने थाना पुलिस को शिकायत करी? थाना पुलिस को सर मैं घटिया थाने पर आवेदन दे के आया था 2 तारीख को 9 महीने का, पर उसके पक्ष में कुछ बयानबाजी हुई हमारा, बाकी निराकरण नहीं हुआ, ना उसकी तफरी थी ना मेरे को न्याय मिला। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम संजय मालवीय है सर, ग्राम बरखेड़ी जागीर से। पिताजी का नाम है मेरा नागूलाल जी मालवीय और मैं करीबन 8 महीने से परेशान हूँ, और इस मैटर के बीच में सर एक हमारे गाँव के सरपंच है जो कि किरण मीणा करके है। संजय मालवीय जी है, बरखेड़ी जागीर के थाना क्षेत्र अंतर्गत आते हैं। इन्होंने हमारे यहाँ पर आवेदन दिया था, इनका जमीन को लेकर विवाद है और इस विषय को लेकर इनके साथ गाली गलौज और मारपीट हुई है, और जिस समय ये आए थे तो उस समय इनके डॉक्टरी परीक्षण कराया हुआ है, और इसके अलावा जो बता रहे हैं कि ज़मीन को लेकर इनका विवाद चल रहा है, तो ज़मीन के संबंध में दस्तावेज इनसे मांगे गए थे वो भी उपलब्ध करा दिए गए हैं, एवं अनावेदकों के संबंध में भी संबंधित जो पर्टिकुलर लोकल थाना है वहाँ पर आवेदन दिया हुआ है, तो उसमें भी जाँच चल रही बता रहे थे, और उनसे भी दस्तावेज मांगे हैं अनावेदकों से, और दोनों का थोड़ा मूल्यांकन करने और राजस्व विभाग से जानकारी लेने के बाद और अग्रिम कार्रवाई हमारी तरफ से की जाएगी। जिन लोगों ने क्यों नहीं की जा रही है से? हाँ, तो उसमें जांच की जा रही है, जमीन किसके संबंध में, किसके पास दस्तावेज है और गवाह है वगैरह, जो भी अभी स्टेटमेंट देंगे उस आधार पर हम अग्रिम और कार्रवाई करेंगे। लेकिन मारपीट की तो FIR की जा सकती है? हाँ, तो उसी के संबंध में जांच चल रही है, मारपीट की जैसे उस दिन जिस दिन घटना हुई थी उस दिन MLC भी कराई हुई है, और अभी और तथ्य आएंगे, पूछताछ कर रहे हैं, तो उसके फिर आगे तो अग्रिम कार्रवाई।